चैनल। तो आज एक नया दिन है, फिर से नया ब्लॉग में शुरू कर रही हूँ। अभी जस्ट मैं शार लेकर के आई हूँ और आज सुबह से इतनी ज्यादा बिजी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक्चुअली जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से आती है, आपने सुना होगा, पर हमने इस चीज को एक्सपीरियंस भी कर लिया है। एक्चुअली हुआ क्या ना, अभी से कुछ वही 15 दिन पहले की बात है, ट्रीटमेंट जब मेरा चल ही रहा था उस टाइम पे अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मेरा ये जो फिल्टर है ना, ये आरो वाला, ये पूरा का पूरा खराब हो गया। मतलब 2 दिन पहले ऐसा हो रहा था, खराब होने से 2 दिन पहले से ऐसा हो रहा था कि ऑन कर रहे थे ना तो पानी लीक कर रहा था। मतलब 5 मिनट के लिए चलाया और इधर से ना पानी पूरा ड्रिप हो रहा था। तो 2 दिन के लिए हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, कम देर चलाते हैं, पतीला रख के कैसे भी हम कर रहे थे, क्योंकि हम लोग का क्लिनिक था जाना आना, तो हम लोग तो ऐसा था कि भैया अभी तो कुछ ठीक नहीं करवाएंगे। पर 2 दिन होते होते ये पूरी तरीके से बंद पड़ गया। अब बात ये है कि हम लोग तो भैया जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी सर्विस वाले को घर बुलाना तो फिर सेफ्टी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे लिए नहीं, उस बंदे के लिए सही नहीं रहेगा जो हमारे घर आता है और ये सब कुछ ठीक करता है। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, इसको अब ठीक नहीं करवाते हैं अभी फिलहाल, जब तक ये पूरा क्वारंटाइन का फेज खत्म नहीं हो जाता है। मतलब लास्ट डे जब तुम्हारा फिटिंग हो जाएगा, उसके बाद जो 2 हफ्ते होते हैं तब तक में किसी को नहीं बुलाते हैं और जो है काम चलाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कैन वाला पानी मंगवा रहे थे। मतलब सोचिए, कहीं से भी कुछ थाने खराब होगा और ये खराब हो गया। अब पानी कैन का मंगवा के, मतलब वो हमारे जो दुकान है ना पास में, वहां से आता है, तो वो लाके डिलीवर कर सकता है, आप ला सकते हो, फिर आप मंगवा सकते हो। तो वो कैन वाला पानी से हम काम चला रहे थे। फाइनली आज सुबह, अब हो गया हमारा सब कुछ ठीक है, तो हम बुला सकते हैं बाहर के लोगों को घर। तो आज सुबह बुलाया, वो आया आकर के, वो कहता है पहले कि ये तो बहुत कुछ डैमेज है, बड़ा खर्चा आ जाएगा, इससे अच्छा आप नया ही ले लो। तो हमने कहा कि कितना खर्चा आएगा, तो उसने कहा कि ये फिल्टर खराब है, अंदर का ये सब हो गया, सब कुछ करके ना आपको 6,000+ खर्चा आने वाला है। एक्चुअली पिछले साल भी उसने हमें बोला था, जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे ना, तभी हमने उसी बंदे को बुलाया था फिटिंग के लिए, तभी भी हमने फिल्टर वगैरह चेंज करवा लिया था, तभी भी उसने बोला था कि एक्सटर्नल फिल्टर भी चेंज करते हैं, पर अंदर का फिल्टर भी आपका खराब हो रहा है, क्योंकि यहाँ का ना मतलब पानी थोड़ा सा खराब रहता है तो जल्दी डैमेज हो जाता है बेसिकली। तो उसने बोला था कि आप चेंज कर लेना, पर तब जरूरत नहीं थी तो हमने छोड़ दिया। फिर ये चल रहा था आराम से, और हर 6 महीने पे जो एक्सटर्नल फिल्टर का जो आता है ना अंदर वाला, वो हम चेंज कर देते हैं। तो वो चल रहा था, वो खराब हो गया। उसने बोला, मैंने आपको बोला ही था आपको प्रॉपर चेंज करना पड़ेगा, खर्चा बहुत आएगा, इससे अच्छा आप 10-11 हज़ार में नया ही ले लो, तो वो मैं आपको दिलवा दूंगा। तो हमने कहा कि ठीक है, तो एक काम करो, यही वाला मॉडल ला दो फिर से। तो वो कह रहा है कि नहीं, ये मॉडल तो बंद हो गया, अब ये सेम मॉडल नहीं आता है, केंट का हमारा है। अब जो मॉडल आता है ना, उसमें थोड़ा सा ना साइज है बड़ा आएगा इससे। तो हमने कहा देखो, एक्चुअली हमारा ये जो है ना, आप देखेंगे तो पूरा ना ये एंड टू एंड टच हो रहा है दीवार पे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये ऑलमोस्ट ये सीलिंग को टच हो रहा है, थोड़ा सा स्पेस है, उतना तो चाहिए रहता है निकालने के लिए, और नीचे ये है। तो ये कह रहा है ये वाला मॉडल अब नहीं मिलता है, इसका केंट प्लस या कुछ ऐसा बोला उसने, वो आता है केंट ग्रैंड प्लस आता है, और वो कह रहा है उसका साइज थोड़ा बड़ा इससे हो सकता है लंबाई में। अब लंबाई देखिए, हम बिल्कुल एज पे हैं, तो हम इससे बड़ा तो कुछ अब ले ही नहीं सकते हैं, या तो फिर हमें कुछ और ब्रांड्स में देखना पड़ेगा। बोला कि ठीक है, जो भी तुम्हारा है मेजरमेंट यहाँ पे ले लो, हमारा एग्जैक्ट कितना पड़ रहा है, और जाके बताओ अगर तुम्हारे पास स्टॉक में है तो। उसने बोला ठीक है। तो सुबह की बात मैं बता रही हूँ, 9 बजे के आसपास वो आया था, तो वो गया वहां जाकर के, उसने पता नहीं बाहर से ही किसी से अपने किसी से बात किया और उससे फोटो मंगवाया मेजरमेंट के साथ में, और फोटो भेजता है तो नहीं, इससे थोड़ा सा बड़ा है, हमारे यहाँ फिट नहीं होगा। तो उसने बोला सर ये केंट वाला तो आपका कोई भी मॉडल अब बचा नहीं है जो एग्जैक्टली यहाँ पे फिक्स हो जाए, फिर तो आपको कोई और ब्रांड का देखना पड़ेगा, प्योरेट है, एक्वागार्ड है, तो उसका तो एजेंट मैं हूं नहीं, तो फिर अगर आपको वो खरीदना है तो फिर आप अलग से खरीद लो और बनवा लो, या तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको जो अंदर का चेंज करना है वो चेंज करते ही इसका लाइफ फिर से आपको मैं वारंटी दे दूंगा 1 साल का, तो वो कर लो आप। अभी किसी और का हम देख रहे थे तो फिर 13-14-15 हज़ार तो पड़ता ही था, ये उसने बोला कि 6 हज़ार के अंदर में हम चेंज कर देंगे और आपका फिर से नया जैसा हो जाएगा, तो मैं ये कर देता हूँ नहीं तो। तो हमने भी सोचा कि अब कहीं और से मंगवाएंगे, मतलब ऑनलाइन ही मंगवाएंगे, दुकान तो जाएंगे नहीं, मेजरमेंट लेके मिल भी जाता है तो वो कब आएगा, कब वो इंस्टॉल होगा, फिर से यही वाला पानी पीते रहना पड़ेगा। तो डिसाइड किया कि काम करो भैया, आप जो बोल रहे हो ना वो चेंज कर दो। तो वो कहीं पास में ही था, तो वहां से उसके पास में सामान होता ही है एक्चुअली पहले से, फिल्टर वगैरह वो लेके चलते हैं बैग में। तो उसने वो आया आकर के, इसने चेंज किया, अब वो आकर के गया तो मुझे पूरा किचन फिर सबसे क्लीन करना पड़ गया ना, पूरा सब कुछ क्लीन किया, टच किया उसने, ये सब कुछ क्लीन किया, तो मतलब का, और तब तक मेरा खाना भी नहीं बना,
हमने बस नाश्ता में खाया था, चाय वगैरह, चाय और पराठा। तब से मैं यही कर रही थी, सब कुछ क्लीन करके फिर घर पोछा वोछा किया, उसके बाद शावर लिया, अब आई हूँ। घड़ी में बज गए हैं 12:30, ना मेरा लंच बना है, कुछ भी नहीं हुआ है, पर ये चलिए चलने लगा है। वरना ये जो मतलब सोचिए आप, इन 14 डेज में एक तो इतना कुछ हो ही रहा है, ऊपर से पानी का अलग टेंशन, एक तो वो बड़ा सा कैन से पानी लेना, हमारे पास कुछ है नहीं ना पंप वगैरह, तो उससे डायरेक्टली पानी लेकर के भर भर के हम लोग ऐसे रख रहे थे, ये देखिए आप सुबह तक भी भरा है, ऐसे भर के रखते थे 2-3 पतीला, तो खाना वगैरह इसी से बनता था, जग भर के रखते थे। सोच रही हूँ मिक्स दाल बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा तो 1 बजे तक में खाना रेडी हो जाएगा। अगर मैं अभी कुछ और बनाने बैठी तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो मिक्स दाल सबसे आसान है, राइस बना लूंगी उसके साथ में, और थोड़ा सा सुबह का आटा है पराठे का, तो अगर इनको रोटी खाना हो तो रोटी बना लूंगी, तो फटाफट पे बन जाएगा। चलिए जब तक मैं ये बनाती हूँ, आपके लिए मैं लेकर आई हूँ थोड़े से स्किन केयर के प्रोडक्ट्स। एक्चुअली मेरे पास पहले ही आ गए थे, पर मैं बीच में व्लॉग बना नहीं पा रही थी तो मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो वाओ के स्किन केयर रेंज के प्रोडक्ट मेरे पास आए हैं। आपको पता है वाओ मुझे कितना पसंद है, चाहे वो हेयर केयर में हो या स्किन में हो, वाओ पे मैं टोटली बिलीव करती हूँ और हमेशा रिकमेंड करती हूँ। तो उसी के कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे। मुझे बहुत पसंद है, मैं काफी दिनों से यूज कर रही हूँ, और मतलब इतना ज्यादा यूज किया कि काफी खत्म भी हो गया है अब तो। चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि आपको ये कैसे काम में आ सकता है। ये है वाओ स्किन साइंस का ब्राइटनिंग विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। ये एक बिल्ट इन फेस ब्रश के साथ आता है जो आपको डीप क्लिंजिंग करने में हेल्प करता है। वाओ स्किन साइंस का जो ये विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश है, ये एक एडवांस स्किन ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग क्लिंजर है। इसमें है मलबेरी, विटामिन सी, लेमन और ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, जो कि आपके पिगमेंटेशन को लाइट करता है। साथ ही साथ में विटामिन सी एक बहुत ही पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट है जो हेल्प करते हैं आपके स्किन को सन डैमेज से बचाने में, और साथ ही साथ में आपको देते हैं बहुत ही ग्लोइंग और रेडियंट स्किन। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसमें कोई भी पैराबिन, सल्फेट, सिलिकॉन या आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऊपर में ये कैप है जो आपको हेल्प करता है इसे अच्छे से स्टोर करने के लिए। यह है वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी क्ले फेस मास्क। ये आपके स्किन के डार्क स्पॉट्स को लाइटन करने में आपकी हेल्प करता है और आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर बनाता है। इसमें जो विटामिन सी है वो प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को और रिजुविनेट भी करता है। ये आपकी स्किन को एक इवन टोन देता है और कॉम्प्लेक्शन भी बेटर करता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, हाइड्रेटिंग भी होता है और आपके स्किन के डेड लेयर्स को ये हटाता है, इम्प्योरिटीज़ को हटाता है और आपकी स्किन को एक नेचुरल लिपिड एंड मॉइस्चर मेंटल देता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपको पैची स्किन की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके कॉम्प्लेक्शन में पैचिनेस है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके स्किन को ये रेडिएंट और सॉफ्ट बनाता है। नेक्स्ट है वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर। तो विटामिन सी रेंज में ये एक और चीज है जो बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी स्किन के लिए। अभी बारिश का सीजन है तो मॉइस्चर कॉन्टेंट बहुत है, ऐसे में अगर आप क्रीम लगाते हो तो आपका चेहरा हो सकता है ऑयली लगता हो, तो आप ये टोनर ट्राई करके देखिए, आपकी स्किन को रेडिएंट बनाता है, ग्लोइंग बनाता है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्किन देता है। इसकी एप्लीकेशन भी बहुत ईजी है, तो देखिए कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और विटामिन सी है तो आपके चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एसेंशियल ऑयल हैं जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है। नेक्स्ट है ये विटामिन सी का सेरम। तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा, आप चाहे तो इसे नाइट सेरम की तरह भी यूज कर सकते हैं। सेरम जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है और इलास्टिन को बूस्ट करता है, जिससे कि आपकी स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, फाइन लाइंस हट जाते हैं, कॉम्प्लेक्शन भी अच्छी हो जाती है। विटामिन सी है तो ये आपके स्किन के डैमेज को रिपेयर करता है और एनवायरमेंटल एक्सपोजर से भी बचाता है। तो अगर आपको यूथफुल स्किन चाहिए तो फिर आप ये ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन हो जाती है इसे लगाने के बाद में। तो मुझे तो वाओ स्किन साइंस के विटामिन सी की रेंज बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरी स्किन को बहुत ही ज्यादा सूट भी कर रहे हैं, काफी दिनों से मैं लगा रही हूँ। तो ये सारा रेंज है जो मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आपको इनमें से कुछ भी खरीदना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वाओ स्किन साइंस के ऐप से भी परचेज कर सकते हो या फिर जो मैंने लिंक्स दिया है वहां से भी परचेज कर सकते हो। मेरी सलाह रहेगी कि आप ये सारा रेंज एक साथ ट्राई करके देखिए तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि पहले आप विटामिन सी से फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप फेस मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं और टोनर और सेरम के बीच में आप स्विच कर सकते हैं। टोनर आप दिन में लगा लीजिए और सेरम आप चाहे तो रात को सोते वक्त लगा लीजिए, या जिस तरीके से भी आपको सुटेबल लगता है। तो पूरा रेंज अगर आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले हैं। तो सारा ही लिंक दिया हुआ है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। चलिए आगे का ब्लॉग में कंटिन्यू करती हूं। देखिए ये वाला कैन में पी रहे थे और ये इसने पूरा फिल्टर वगैरह चेंज किया है, तो इसको मैंने अभी यहीं पे रख दिया, बाहर नहीं रखा।
तो क्योंकि उसने ये सब भी टच किया था, तो अगर मैं इसको बाहर रख दूं और काम वाली लेकर चली जाए तो बेचारी को दिक्कत हो जाएगा, तो 2 दिन के लिए छोड़ देती हूँ। और सैनिटाइज क्यों करे, बेकार का क्यों स्प्रे स्प्रे वेस्ट करे, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। इसी टेबल पर चढ़ के उसने सब कुछ मतलब ऊपर फिट किया था, तो ये टेबल भी मैंने बाहर रख दिया है, तो ये सब कुछ फेंकना है। मैं आपको फिल्टर का हालत देख रहे हैं आप कैसा काला हो गया, आपको मैं नजदीक से दिखाती हूँ, ये देखिए कैसा ये कलर हो गया था इसका, बिल्कुल ब्लैक, कितना गंदा पानी सोचिए, और ये पूरा सड़ गया है। पानी और बिजली, ये दो चीज अगर घर में ना रहे ना तो सच में सारा काम उथल पुथल हो जाता है। और ऐसे टाइम पे जब आप देख ही रहे थे कि हम लोग थोड़े से पजल थे, परेशान थे, घर वैसे भी उतने अच्छे से चला नहीं पा रहे थे, और इस टाइम पे ये मुसीबत आ गई। तो सब कुछ होता है। मेरे ख्याल से कोई और होता ना तो पक्का इसी बीच में बुला ही लेता, सोचता कि छोड़ो हम अगर एक्सपोज भी हो रहे हैं तो क्या है, वो आके ठीक करके जाएगा। पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जितना प्रोटेक्ट कर सके लोगों को करें। क्वारंटाइन होना बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर से ऐसा सर्विस लेके मतलब हॉस्पिटल वगैरह से आते हो या ट्रैवल करते हो, तो आपको तो जो होगा सो होगा, वो तो चलिए आपका खुद का फैसला है, आपने सोच समझ के लिया है, अगर होता भी है तो आप भुगत लोगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट करें। तो अगर वो बच्चा, एक्चुअली वो 15-16 साल का लड़का ही है जो आता है, वो आता, अगर कुछ उसको हो जाता, फिर वो कहीं और जाता, तो हम जिम्मेदार हो जाते। तो इससे अच्छा है कि हम झेल ले, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ये जो लोग नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं छोड़ो मुझे क्या, मुझे हुआ है तो कोई नहीं, दूसरों को मैं क्यों प्रोटेक्ट करूं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही चीजें फैलती हैं और ऐसे ही लापरवाही की वजह से आज हम सब परेशान हैं, हल नहीं मिल रहा है, चीजें बढ़ रही हैं। तो हमने यही डिसाइड किया कि भले हमें तकलीफ हो, कैसे भी करके कर लेंगे यार, क्या है, इतने लोग कैन का यूज करते हैं तो वो मैनेज हो जाएगा, पर इसको नहीं टच करते हैं। पर चलिए आज फाइनली थोड़ा सा बैक हो गया, सब कुछ तो अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है घर का क्वारंटाइन जोन, जो भी सामान आता है यहाँ रहता है, तो ये थोड़ा बहुत सामान आया है, ये तो बिग बास्केट का है और यहीं पे छोड़ दिया। 2 दिन अगर जरूरत नहीं है ना तो ऐसे ही मैं छोड़ देती हूँ, फिर उसमें स्प्रे भी नहीं वेस्ट करती, कभी यूज ही नहीं है तो क्या करने का, तो यहीं पे छोड़ दिया। जो बहुत जरूरी काम में आने वाला होता है उसी को वॉश करती हूँ या उस पर कुछ स्प्रे करती हूँ पैकेट वगैरह पे। घर का हाल ऐसा ही रहता है, ऐसा ही दिखता है फॉयर हमारा। ये देखिए क्या है इस रूम का हालत। मैंने कहा ना सुबह सोकर के उठे हैं हम लोग, जल्दी जल्दी बस नाश्ता चाय किया है, क्योंकि तो उसने फोन कर दिया 8:15 बजे कि मैं निकल रहा हूँ, 9 तक पहुंचूंगा। तो फटाफट, मुझे पता था किचन तो फिर यूज नहीं कर पाएंगे, तो नाश्ता चाय किया और बाकी सारा काम छोड़ दिया मैंने। तो ये है मेरे बेड का हालत, अभी मैं ये ठीक करूंगी। और इतना लेट 12:30 बजे, अब मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि एक मैं बात बताऊँ, देखिए घर साफ करना तो रोज का काम है हमारा, किचन तो रोज ही क्लीन होता है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो एक मेंटली है ना कि अरे बाहर का कोई आया, जर्म्स है और अच्छे से साफ करो और ये करना, ये एक अलग लेवल का हो गया है। पहले क्या था, सफाई मतलब जो दिख रहा है वो करो, अब लगता नहीं जो नहीं दिख रहा है उसको भी साफ करना है, जो दिख ही नहीं रहा है उसके लिए आप चिंता कर रहे हो। तो घसो, ये भी छुआ था क्या उसने, वो भी छुआ था क्या, उसको बाल्टी दिया था पानी निकालने के लिए तो बाल्टी धो, मग धो, फिर उसने ये छुआ वो छुआ। इंसान ना, मैं बताऊं, सारा एफिशिएंसी ना यही चला गया सोचने बैठने में कि क्या करे और क्या ना करे। अभी इसको मुझे पूरा का पूरा चेंज करना है। ये अभी देख रहे हैं, ये वाला अलग कलर का, आपको तकिया लग रहा होगा, और बेडशीट अलग कलर का है, क्योंकि ये मेरे को ना बहुत पेन था ना पीछे, तो मैंने ये अलग वाला तकिया लिया, बड़ा वाला तकिया लिया, एमा वाला जो लिया था। तो ये इतने बड़े साइज का है कि इसका मेरे पास कोई पिलो कवर नहीं, क्योंकि जनरली जो पिलो कवर मिलता है ना वो छोटे साइज का होता है, और ये शायद US के साइज का है, पता नहीं क्या है क्योंकि वो बाहर की कंपनी है। तो मेरे पास कुछ नहीं मिल रहा था, पर लकीली मेरे पास एक ये पड़ा हुआ था, मैंने ना कंफर्टर का कवर लिया था ब्लू कलर का अमेजोन से पहले, तो उसके साथ में मुझे मिला था ये तकिया का खोल। और तभी क्या हो रहा था, ये इतना बड़ा था कहीं फिट नहीं हो रहा था, अब देखिए काम आ गया तो इसमें फाइनली ये फिट हो गया। पर ये है ब्लू कलर का, और ब्लू तो इस घर में कुछ अभी है नहीं, और मैंने नया कुछ लिया नहीं है, तो मैं कोई भी बेडशीट हो, मेरा एक तकिए का कवर यही रहता है, ये जब तक धुलने जाता है तो तकिया भी इन्हें कवर का रहता है। पर देखिए काम में आ गया ये ब्लू कवर, वरना मैं सोच रही थी कभी काम में नहीं आएगा। पर चलिए वो ठीक है, पर मैच नहीं करता है अभी, वो अलग बात है। तो इस सबको मुझे देना है धोने। आज थोड़ा सा मौसम देख रही हूँ ठीक है, मतलब धूप तो नहीं बोलेंगे पर एटलीस्ट वैसा हाल नहीं जो पहले था। क्या करके रखा है रूम को, अरे आप ये सजा के रखेंगे तो काम कैसे करेंगे। ये देखिए सीक्वेंस के ऊपर में लैपटॉप का जुगाड़ हुआ है हाइट इंक्रीज करने के लिए, और वो बुक में क्या रखा है, ये माउस रखा है। अच्छा, और इनको कितना सारा लगता है हेडफोन, देखिए एक ये इन्हें पहना हुआ है, एक यहाँ पे रखते हैं,
ये हेडफोन तब काम आता है जब मुझे बोलना रहता है क्योंकि इसमें माइक अच्छा है, और ये हेडफोन तब काम आता है जब मैं सिर्फ ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मेरे को कुछ बोलना नहीं रहता है, तो मैं फ्री रहता हूँ, मैं किसी चीज से बंधा हुआ नहीं रहता। और उसके साथ साथ में ये रहा बेड ये शीट, देखो मैंने यहाँ पे चार्जिंग केबल ऐसे पीछे से लेके आया हूँ ताकि मैं इधर से गिरूँ ना। बेचारे ये लोग ना वायर से घिरे हुए हैं, जैसे हम लोग काम से घिरे हैं ना, ये लोग वायर से घिरे हुए अभी हैं तो ऑलवेज। कम है, अभी आएगा इतना सारा। ये भगवान इस रूम का जो हालत होने वाला है ना, मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी। सारा जगह छेका जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, सिर्फ मैं चल पाऊंगा और कोई नहीं। इनके मतलब कंपनी से कुछ सामान शिप होगा घर पे काम करने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। और ये हालत देखिए, सारा यहाँ पे रख दिया है कुशन वगैरह। वेरी गुड, लगे रहिए, ये रूम अब आपके हवाले है, तो क्लीनिंग भी कर लिया करिए। क्लीनिंग अब इसमें क्या करूं मैं, क्लीनिंग बताओ, जब काम फिर से खत्म यूज तो करना ही है, तो ऐसे ही क्लीनिंग रहेगा करके नहीं, क्या फायदा। मतलब ये हाँ मतलब नीचे झाड़ू पोछा अलग बात हो गई। अब बहुत केसेस बढ़ गए हैं ना बैंगलोर में, तो अब इनकी कंपनी में कुछ चीजें हैं जिसके लिए, मतलब जिसको करने के लिए इनको ऑफिस आना, कुछ काम था जिसको करने के लिए इनको ऑफिस जाना ही पड़ता था, लैब यूज करना ही पड़ता था। तो अब जाकर के कंपनी एक्शन ले रही है कि नहीं, अब इतना फैल चुका है बैंगलोर में, ये बहुत रिस्की है बार बार ऑफिस जाना, तो कुछ चीजें ना घर पे शिफ्ट कर रही हैं ताकि ऑफिस जाने की जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो जाए, तो वो काम वो घर से करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा सामान आने वाला है जो उस रूम में रखना पड़ेगा। मैंने कहा कोई नहीं, मजाक में चिढ़ाती हूँ, पर अंदर अंदर सोचती हूँ कोई नहीं, कितना भी सामान लाके घर पे रख दो भाई, पर ऑफिस ना जाना पड़े ये ज्यादा जरूरी है कि इतना कम बार जाना पड़े। सामान का तो क्या है, रूम में रख दो, मजाक की बात तो और है, पर एक्चुअल तो मैं यही चाहती हूँ कि बहुत फ्रिक्वेंटली ऑफिस जाते थे ये, मतलब हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, तो वो थोड़ा कम हो जाए तो और उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो वही अभी शिप हुआ है, देखिए कब तक में आता है, एक हफ्ता लग जाएगा। सेम सिटी में भी आने में ये कह रहे हैं 1 हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएगा, देखते हैं। सैलेड बनाऊंगी थोड़ा सा इनके लिए, पापड़ है, इनको घी राइस दाल पापड़ दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे चाहिए थोड़ा सा उसके साथ में प्याज, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये इस तरीके से, मुझे ये बहुत टेस्टी लगता है, मैंने साबुत दाल की दाल बना लिया, ये जो 5 दाल मिक्स वाला आता है ना, तो अभी ये हो जाएगा। और रात को कुछ सब्जी बना लूंगी, तो चपाती में घी लगा के और ये दाल गाढ़ा सा रहता है, उसके साथ में कुछ सब्जी खा लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो दोनों टाइम का काम निपट जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मौसम हो गया है, ऐसे में चाय बना रहे हैं ये, इनकी ड्यूटी होती है चाय की, और साथ में खाएंगे न्यूट्री चॉइस बिस्किट। वो क्या है, वो कौन सा बिस्किट? ब्रांड चाय। मैं नहीं खाऊंगी बिस्किट, ऐसी चाय पी लूंगी, मेरे को इतना मन नहीं कर रहा है। और बहुत अच्छा मौसम है, हम लोग सोच रहे हैं छत पे चलेंगे। छत पे जाएंगे, छत पे एकदम क्लाउडी रहता है, और वॉक करते करते चाय पी लेते हैं, अच्छा भी लगता है। पति और पति वाली चाय, पति और पति वाली चाय, और पत्नी और घास। ये घास से तो मैं बताऊँ एक बात, लेमन ग्रास हम लोग मंगवाते हैं ना, तो बहुत क्वांटिटी में देता है हम दोनों के लिए, वो कम से कम कितना 15 दिन चल जाता है ज्यादा। अभी फ्रिज में रखते हैं ना तो खराब भी नहीं होता है, अब मैं पर सूख जाता है। अब मैं इनको बोलती हूँ कि अरे हो गया, अब इसको डिस्कार्ड करो या नया मंगवाते हैं या छोड़ दो, ये छोड़ते ही नहीं है। अरे पर कितना भी ड्राई हो जाए फ्लेवर तो आ ही रहा है। एकदम ड्राई हो गया पता है, लिटरली एकदम कुछ। हाँ फ्लेवर आ रहा है, सही बात है,
पर मुझे नहीं पता कि क्या इतना पुराना होने के बाद भी देना सही बात है या नहीं। हाँ, जब तक फ्लेवर आ रहा है तब तक क्या दिक्कत है। नहीं नहीं जाने देंगे ये, और मेरे ख्याल से ना अगर यही स्पीड रहा ना तो 1 महीना चलेगा। चल जाएगा 1 महीना, क्योंकि कितना पड़ता है पता है, ये देखिए इतना इतना पड़ता है ना, तो कट कट करके ये देखिए मुश्किल से इतना डालते हैं एक बार की चाय में, तो सोचिए कितना चलेगा, इतना सारा लंबा लंबा देता है वो, नहीं छोड़ने वाले। और इसीलिए अब इनको मुझे बोलना पड़ता है कि अरे यार अदरक मैं छोड़ूंगा, कि अदरक वाली चाय पिला दो, क्योंकि कभी कभी ना मुझे अदरक वाली चाय पीने का मन करता है। पर जब से हमारे घर में ये आया है, जब से हमने थप्पड़ मूवी देखा है, उस दिन से लेके आज का दिन है, हमारे घर यही होता है, बोलना पड़ता है कि अदरक डाल दो। कभी बहुत ठंड होगी ना तब अदरक वाली चाय पीते हैं हम लोग, वरना पहले तो पीते थे अदरक वाली, इलायची वाली। अब तो अदरक वाली जनरली पीते थे हम लोग, अब नहीं, अब तो यही पत्ती वाली चाय, पत्ती बनाते हैं पत्ती वाली चाय, पत्ती डाल के पत्ती क्या बहुत कंफ्यूजिंग हो गया।